नमस्ते भगवान संसार में आते हैं ये इस प्रश्न को हम एक कह कह सकते हैं कि श्रद्धा भगवान संसार में आते हैं लेकिन मनुष्य उस उनको क्यों नहीं पहचान पाता है उनको प्यार क्यों नहीं कर पाता है तो इसका इस सरल प्रश्न का सरल इतना नहीं है पर इस सरल प्रश्न का एक बहुत सरल उत्तर है और वो उत्तर रामायण में बड़े सुंदर ढंग से दिया गया है सो जान ही जिन राम जना ही भगवान को वही जान सकते हैं जिनको भगवान ने चुन लिया है ही हु चूजेज द इन्फिनिट हैज बीन चूजे बाय द इन्फिनिट अब ऐसा क्यों है क्योंकि हम अपने अपने विकास के लेवल से भगवान को देखते हैं एक अब उदाहरण रामायण में बहुत सुंदर आता है कि जब राम जी जाते ना जनक नंदिनी के विवाह के लिए राज जनक की सभा में तो जैसे ही नगरवासी राम को देखते कहते अरे कितने सुकुमार सुंदर हैं जानकी के लिए योग्य वर तो यही है पर ये राजा देखो वैसे तो बुद्धिमान लगता है कि क्या कर दिया उसने धनुष कैसे उठाएंगे ये शिव धनुष मिस हो गई अपॉर्चुनिटी ये असल वो है उसके भी पहले एक घटना होती है माता जानकी ने प्रथम दृष्टि में जान लिया है कि यही है और वो बड़ा सुंदर है ना कि यही भाती गौरी मन <laughs> मंदिर Man चली तुलसी भवानी पुनि पुनि मुदित मन हर्षित चली वो फूल टपकता है और वो जानती है कि ही इज़ द वन तो उनको आश्वासन मिल गया वो जानती है कोई तुम धनुष रख लो ही इज गोइंग टू ब्रेक इट एंड ही इज माई लॉर्ड लेकिन गांव वाले हाँ है तो योग्य वर लेकिन सुकुमार हैं उसी सभा में रावण भी बैठा है रावण जब राम को देखता है कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया ये तो लगता है कि राक्षसों को मार डालेंगे रावण कुछ क्षण के लिए उसका अहंकार लेकिन जो वहां असुर राक्षस थे वो समझते हैं हमारा काल आ गया आ जा चाप धरी चांपधरी संग्राम जित दूषण तो कहते ये तो मार डाला था उन्होंने खरदूषण को जिन्होंने मारा चर्चा तो पहुंची गई थी अखबार जो भी प्रिंट मीडिया है व्हाट्सएप रावण दिनाई करे <laughs> लेकिन WhatsApp न्यूज तो वायरल हो गई थी खरदूषण को मारा खरदूषण को मारा है अच्छा यही है वो अब ताड़का का संहार कर दिया ताड़का का संहार कर दिया ये भी न्यूज चली गई थी कि वो गौतम नारी अहिल्या तारी तो ऐसे भी लोग थे फिर जो वीर थे वो कहते हैं वो जो समझ रहे थे हम बड़े वीर हैं जब राम जी आते हैं तो वो तो पौरुष श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि पुरुषों में मैं पौरुष में मैं राम हूं तो उनका पौरुष पानी अरे हम समझते थे हम वीर है वीर तो ये है करेज कॉन्फिडेंस ये तो पुरुषोत्तम राम है जो ऋषिगण है वो तो बस अवतार आगे राजा जनक मुस्कुराते हैं कर्मयोगी है कहते हैं आगे प्रभु अब अपना खेल भी कर दीजिए उनको पता है कि कोई और कोई सो so, ये स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन के अनुसार भगवान का रिविलेशन होता है इसीलिए इंडिया में कन्वर्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है कोई विश्वास करता है अगर आ, इस्लाम में करने तो कोई समस्या नहीं है क्यों क्या होगा उसकी सीमा ही वही है उसकी सीमा है ये जब कोई एक सीमित चीज में और बड़ी भयानक चीज में विश्वास कर रहा है तो वो उसका सत्य नहीं बता रहा है वो अपनी सीमाओं का उद्घाटन कर रहा है और जब वो तैयार होगा असीम के लिए तो एक द्वार खुल जाएगा और वो तो आप मानो नहीं मानो पुनर्जन्म है <laughs> मैं जानता हूं एक्चुअली ऐसे लोग हैं जो पूर्व जन्म में मुसलमान थे इस जन्म में हिंदू बने और उन्हें जब रिकोगनाइज किया तो बड़ा कंफ्यूजन भी हुआ कि हम तो मानते नहीं थे आपके मानने से क्या होता है आपके मानने से दुनिया नहीं चलती है किसी की मान्यता पर सत्य के आधार पर चलती है तो हमारी स्टेज ऑफ एवोल्यूशन अब उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ पीछे रावण के लिए यही था कि भाई मैं तो रसिल करके ही जाऊंगा जिसको हम कहते थे कि रावण भगवान का शत्रु है वास्तव में वो प्रेम करता था लेकिन कैसा प्रेम करता था दो प्रकार के प्रेम होते हैं ना एक आप किसी से बहुत घृणा करते हो तो वास्तव में प्रेम करते हो जिसको आप प्रेम नहीं करते उसे घृणा थोड़ी होती है तो उसका प्रेम आसुरिक प्रेम ऐसा होता है जहां आपको जब तक मिल रहा है तब तक आप प्रेम करते हो जैसे ही वो स्टॉप हुआ तो घृणा हो गई तो रावण का जो प्रेम था वो वैर भाव का प्रेम था आसुरिक प्रेम था श्री कृष्ण से किसी ने पूछा वो अंत में सारा होता है कि आपने गोप गोपी इनको तारा लेकिन कंस को क्यों तार दिया कहते हैं क्या करूं मेरा तो स्वभाव है भक्त पुकारते मैं चला जाता हूं। भक्त हाँ भक्त भक्त कैसा था अरे सारे समय मुझे याद करता रहता था कृष्ण कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे पर तो मारना चाहता था हाँ ठीक है याद तो करता था मैं अब ये थोड़ी देखूंगा कि मारना चाहो। वो तो मुझे पता है मार नहीं सकता है लेकिन याद करता था मुझे सारे जीवन याद करता रहा तो मैं आ गया मैंने कहा देख तू पुकार रहा था इतने सारे हँसुओं को मरवा दिया मुझे बोलता डायरेक्टली मैं आ जाता अंत में डायरेक्टली बोला उसने अक्रूर को भेज करके तो कहते ले में आ गया क्या करना है युद्ध करना है चल तेरी मर्जी तो अल्टीमेटली भगवान के साथ हमारी सोल बहुत तरह से संबंध जोड़ती है उनके साथ आप जैसा भी संबंध जोड़ो अंत आपका एक ही होना है वो है विलय अगर आप प्रेमी का संबंध जोड़ोगे तो अहंकार का समापन और आपका उनमें विलय लेकिन अंतर क्या होगा जब प्रेमी का संबंध जोड़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा जब भगवान आपको आलिंगन करके ना हड्डियों को क्रश करेंगे आप कहेंगे हे प्रभु आनंद आ गया वाह क्या आलिंगन है दूसरा है कुश्ती लड़ने वाला आलिंगन हमको प्रेमी का नहीं चाहिए हम तो कुश्ती आप दिखाओ आप तो कहते हो इतनी किताबें लिखी हैं ईश्वर लेकिन हमने बटर एंड रसल पढ़ाया बर्नट शो आ जाओ एक समय आएगा जब आपका मन टूटेगा ऐसा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया क्योंकि आप किसके साथ ट्राई कर रहे हो इंटेलेक्चुअलाइज करने के लिए एक बूंद जब टकराएगी समुद्र के साथ तो उसका क्या अश्र होगा तो करने दीजिए कोई बात नहीं है टकरा रहा है ना एक दिन वो बूंद का तो रेसलर का जो एम्ब्रेस होता है उसमें भी हड्डियां टूटती हैं अहंकार जाता है लेकिन वो कहता, कहता है उफ ये चटक रहा है उफ वो चटक रहा है फिर रजिस्ट करता है दांव पेच लगाता है लेकिन एक बार जो पकड़ में आ गया भगवान के दांव पेच लगाने दीजिए फाइनल दांव तो भगवान का होना है, <laughs> तो करने दीजिए सबको अपने हिसाब से चलने दीजिए कोई समस्या नहीं है जिनको भगवान डिसाइड करते हैं रिवील करना उन्हीं के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास आएगा किसी के कहने से कुछ भी होने से लोग रहेंगे आश्रम में रहेंगे पचास साल नहीं आएगा और एक व्यक्ति होगा जो कहाँ उड़ीसा दूर गांव में बैठा होगा अमेरिका में बैठा होगा मैं मिला हूं ऐसे लोगों से जिनका विश्वास देख के लगता है कि मैंने कुछ एक बताया भी लोगों को कि एक डॉक्टर अमेरिका में ब्रेन डॉक्टर वो बताती हैं कि मैं कोरोना के वार्ड में जब जाती थी कोरोना वार्ड में उनकी हर एक उसमें जाती थी तो मुझे मास्क शील्ड लगाने का नहीं माताजी के हिसाब से चलूंगी बोली हर वार्ड में जब मैं जाती थी तो मैं केवल यह कहती थी मां तुम मेरे साथ रहो मां का नाम लेके फिर उनको कोरोना हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी है शरीर को सरेंडर करने की और जब उन्होंने वो अनुभव बताया मेरे तो आंखों से आंसू की ये, है ध्यान से देखा अमेरिका, अमेरिका में अमेरिका में अमेरिकन इंडियन नहीं कि उन्होंने उस रात को देखा कि श्री अरविंद आए माता जी आए पहले माता जी आई पूरा युद्ध लड़ा उनके बिहार पर वो केवल ऐसे सरेंडर होके सब देख रही हैं फिर श्री अरविंद अंत में आते हैं और कहते हैं केवल मैजिस्टिकली कहते हैं एकदम मैजिस्टिकली आते हैं जैसे सिंह पर सवार होके और फिर कहते हैं कि अब युद्ध समाप्त हो गया सब ठीक है और जब सुबह उठती हैं तो ना केवल बिल्कुल ठीक है प्रफुल्लित है एनर्जी है ऊर्जा है ये उस व्यक्ति के अंदर जिसके जो आश्रम आया नहीं है लेकिन वो पूछ रही है मैं आश्रम आना चाहती हूं मुझे वहां लैट्रिन साफ करने का भी काम मिल जाए तो मैं तैयार हूं और इतनी बड़ी डॉक्टर हैं यहां पर आप रहेंगे बरसों कहेंगे नहीं नहीं नहीं, एडवाइजरी आई है ना कोरोना वैक्सीन ये अंतर है ये एक अलग लैंडस्केप होता है स्पिरिचुअल लाइफ का कोई बाहरी लैंडस्केप नहीं होता है आपका अपना बच्चा आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं लेकिन आपके घर में ऐसा बच्चा होगा जो दैत्यराज <laughs> और वो आपका बहुत भला कर रहा है नहीं तो आप बच्चे से ही मोहित और आसक्त हो जाते और उल्टा भी होता है जब भगवान को किसी दैत्यराज को कन्वर्ट करना होता है तो वो प्रहलाद के रूप में आ जाते हैं तो ये कोई ये एकदम अलग लैंडस्केप है ज्योग्राफी हिस्ट्री आध्यात्मिक जीवन की अलग चलती है कोई बहुत इंटेलेक्चुअल है उसको लेकिन विश्वास नहीं है कोई सरल सरल हृदय के लिए आसान होता है लेकिन ये जरूर है माने का है कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के अंदर श्रद्धा जागती है तो फिर जो रिजल्ट है वो बहुत अद्भुत होता है क्योंकि वो पूरी वोल्यूशन को चढ़ करके वहाँ पर पहुँचा है ये डिफरेंस होता है तो सबको अपने अपने हिसाब से चलने दीजिए ナマスティア。